वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है भाई साहब? टाइगर 3 चल रहा है और टाइगर 3 की OTT रिलीज डेट भी अब आ ही चुकी है समझ लो, क्योंकि ये न्यूज जबरदस्त घूम रही है मार्केट में। बॉक्स ऑफिस पर क्या तबाही कर रही है उस पर भी बात करेंगे भाई साहब। टाइगर 3 और कितना कमा सकती है, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब? जब एक आध मिनट में आपको काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं। सब उससे पहले कल डे 5 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट देखते हैं। हिंदी से टाइगर 3 ने कमाया है कल डे 5 में 18 करोड़, और तमिल तेलुगु से 50 लाख आता दिखा है। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक इस मूवी का रहा है लगभग 18.5 करोड़। जबरदस्त कलेक्शन है, लेकिन यार वो हाइप नहीं मिल पा रही, क्योंकि टाइगर 3 का जो कंटेंट है, टाइगर 3 का जो पोटेंशियल है, वो बाप लेवल का पोटेंशियल है और बाप लेवल का कंटेंट है। क्योंकि एक्शन के साथ हमें स्टोरी लाइन इतना सॉलिड कॉम्बो कभी नहीं मिलता है। लाइक जवान में हमें स्टोरी लाइन सॉलिड मिली है, तब जाके वो मूवी 1150 करोड़ कंप्लीट कर पाई है। वरना एक्शन मूवी हम बहुत देख कर आ चुके हैं, लेकिन स्टोरी कॉम्बिनेशन उतना बैठता नहीं है, लॉजिकल सेट उतना बैठता नहीं है, दैट्स व्हाई कि वो मूवी इतना चल नहीं पाती है। तो टाइगर 3 का मैं बताऊं, पहले 5 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक हिंदी से कितना हो चुका था, 183 करोड़। तमिल तेलुगु से मूवी कितना कमा चुकी थी लगभग कल एंड ऑफ द डे तक 5.25 करोड़, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक हो जाता है ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से जो आया है 188.25 करोड़ के आसपास। तो ये मूवी जबरदस्त आग फाड़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से उम्मीद थी उस लेवल की आग नहीं फाड़ रही है, क्योंकि भाई इसका कॉन्टेंट सॉलिड है यार। आई डोंट नो टाइगर 3 को वो हाइप सेट क्यों नहीं मिल पा रही है। देखो बहुत से कारण हैं और हम सब देख भी रहे हैं, लाइक दिवाली का ओकेजन चला था उस टाइम पर इन्होंने मूवी रिलीज करी, तो लोग सेलिब्रेशन में बिजी थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे लोग। उसके बाद वर्ल्ड कप चल रहा है, परसों सेमीफाइनल था इंडिया का, जो न्यूजीलैंड को जबरदस्त तरीके से धोया है। उसके बाद कल सेकेंड सेमीफाइनल था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आने के बाद भी, इतनी सारी अड़चनें आने के बावजूद भी, ये मूवी अच्छी खासी कमाई करती नजर आ रही है। आज भी लगभग टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी 15 से 16 करोड़ के आसपास कलेक्शन करते नजर आ रही है। तो अभी दूसरी खबर ये आ रही है कि भाई अमेजॉन प्राइम पर ये मूवी रिलीज होने वाली है, कब? बहुत जल्द ही, क्योंकि थिएटर में उतना इसे भाव मिल नहीं रहे, तो OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी रिलीज हो जाएगी। लेकिन कब हो जाएगी? आफ्टर 45 डेज, क्योंकि यही पैक्ट होता है थिएटर के साथ। तो हो सकता है ये मूवी 23rd से 25 दिसंबर के आसपास आ जाए, या फिर 27 दिसंबर को, जब सलमान खान का बर्थडे है। लाइक शाहरुख खान के टाइम पर हमने देखा था, जब उनका बर्थडे था तब जवान मूवी को रिलीज कराया गया था। हो सकता है मे बी उस टाइप का पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी तो यही न्यूज आ रही है कि शायद 23rd या फिर 25 दिसंबर के आसपास से टाइगर 3 हमें देखने को मिल जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन के मामले में बहुत बुरी तरीके से सर्वाइव कर रही है। तो आपके हिसाब से ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में? भाई मैं बताऊँ तो लगभग पूरी दुनिया से ये मूवी इजी 500 to 600 करोड़ के बीच में पहुंच जाए। आप लोगों के हिसाब से ये मूवी कितना लाइफ टाइम कलेक्शन करेगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी आपने मूवी देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।